हाई एवरी वन, नमस्ते एंड वेलकम टू माई चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। सो आज मैं आप लोगों के साथ में अपना क्यू एन ए वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो मैंने थोड़े दिन पहले इंस्टाग्राम पर डाला था कि क्यू एन ए करते हैं अपन लोग, क्योंकि मुझे पता था कि प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत सारे मेरे पास डे टू डे बेसिस पे क्वेरीज आ रही थी कुछ ना कुछ। तो मैंने सोचा वो सारी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगी, एंड अदर देन दैट भी कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं उसको भी डेफिनेटली लूंगी। एंड देखते हैं ये वीडियो कितने पार्ट्स में बनने वाला है। ऑल दो अभी जो हमारा बेबी बू है वो यहीं पर सो रही है, सो लेट्स सी, होपफुली अच्छे से बन जाए। तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे पास आ चुके हैं और मैंने सबके बढ़िया बकायदा सब स्क्रीनशॉट्स ले लिए ताकि मेरे लिए बहुत इजी हो जाए देखने के लिए। मैं टिक करती जाऊंगी जो जो मेरा होता जाएगा क्वेश्चन। एक और चीज़, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना तो मेक श्योर दैट यू फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम भी ही मैं इस तरह से क्यू एन ए वगैरह के जो पोस्ट होते हैं वो डालती हूँ। मैं यूट्यूब पर बहुत ही रेयर डालती हूँ। करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इससे रिलेटेड आए हैं, दैट व्हाट डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एलोपैथी मेडिसिन, विच इज द बेस्ट। आई एम ट्राइंग फॉर सेकंड बेबी, व्हाट मेडिसिन शुड आई स्टार्ट बिफोर कंसीविंग फॉर हेल्दी प्रेगनेंसी। सी, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है। आपको सूट क्या होता है वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने सुना है ऐसा, मुझे एग्जैक्टली कन्फर्म नहीं है, बट मैंने ऐसा सुन रखा है कि कुछ लोगों को आयुर्वेदिक मेडिसिन भी सूट नहीं करते, बिकॉज आयुर्वेदिक मेडिसिन कहीं ना कहीं थोड़ी हैवियर साइड होती है। तो अगर आपका डॉक्टर अच्छा है तो वो बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड ऑल दैट, आपको सूट बॉडी के हिसाब से आपको मेडिसिन देंगे। वही है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे। एलोपैथी में भी वही है, अगर आपका डॉक्टर बहुत अच्छे है ना तो आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लेंगे, जिसको जो बेटर लगता है वो उसके ऊपर है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यू फीलिंग इन योर पोस्टपार्टम पीरियड फॉर योर बॉडी शेप। ओके, मैं बहुत ज्यादा भाग दौड़ जब नहीं करती हूँ, मतलब थोड़ी रिलैक्स जोन में रहती हूँ, तो मेरा वेट आराम से 54 टच कर जाता है। एंड मेरा प्रेगनेंसी में जो लास्ट जब मेरा वेट था ना, जो मेरी वेट डायरी मेंटेन कर रखी थी, मतलब मैं हर हफ्ते लिटरली वेट लिखती थी अपना कितना मेरा वेट हो रहा है, तो मेरा जो वेट था वो हुआ था लास्ट 65-66 मेरा हो गया था। मैंने कंसीव किया है तब मेरा वेट 52 था, और जब वो जो 2 मंथ्स का पीरियड होता है, 2-3 मंथ्स में जिसमें आपका वेट रिड्यूस होता है, उसमें मेरा वेट 51 तक पहुंच गया था। तो 51 से अगर हम कैलकुलेट करें तो मेरा 65 पहुंचा है, तो मतलब मैंने 12-13 केजीज वेट गेन किया है, विच इज हेल्दी। मैंने डॉक्टर से पूछ के रखा था मुझे टोटल वेट गेन करना है, तो उन्होंने मुझे बोला था 15 केजीज इज अ मैक्स जो आपको वेट गेन करना है, उससे ज्यादा आपकी बॉडी टाइप के लिए सही नहीं होगा। अगर आपका वेट ज्यादा बढ़ गया तो बच्चा जो होता है वो कंप्रेस हो जाता है, प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस हो जाते हैं। बहुत सारे उन्होंने मुझे फैक्टर्स बताए थे बहुत अच्छे अच्छे। सो मैंने अपना वेट को काफी मेंटेन किया था, मैं पूरा थ्रू आउट अपना वेट लिखती थी, और आफ्टर डिलीवरी वेट है वो कट टू डायरेक्टली 58 पे आ गया था, एंड करेंटली आई एम 57 राइट नाउ। आप 54 से कैलकुलेट करो जो मेरा नॉर्मली वेट रहता है, तो अभी मेरा 3-4 केजी बड़ा है। बाकी प्रेगनेंसी बेली जो होती है वो अभी मेरी है, टाइम लेगा, अभी मुझे 2 महीने ही हुए हैं। तो अभी जैसे मैं अपना डाइट भी, मतलब मैंने प्रॉपर 2 मंथ्स पूरा डाइट किया है, डाइट इन द सेंस मीन मी ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया है इसमें पोस्टपार्टम में भी। मैंने हैवी खाना नहीं खाया है, जो लड्डू होते हैं जो की जगह मैं उसका चूरमा खा रही थी, तो वो हेल्दी चीज़ें मैं ले रही थी, ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ें खाया है। दलिया भी मैं नॉर्मल जो मार्केट में दलिया मिलता है वो नहीं, हमारा जो दलिया आता है वो कच्चा वाला दलिया आता है, सिका दलिया नहीं खाती हूँ मैं, कच्चा दलिया मंगवाया जाता है क्योंकि सिका दलिया गैस करता है ऐसा बोला जाता है। उसके बाद घी आता है गाँव से, मैं घी ये सारी चीज़ें मतलब हेल्दी चीज़ें सब खा रही हूँ, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि वेट मेंटेन करने में भी हेल्प मिल रही है, एंड साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी बॉडी को मिल रहा है, मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छे से हो रहा है, सब कुछ बहुत इजीली हो रहा है। और लास्ट फ्रॉम 10-15 डेज से मैंने प्रॉपर जो रोटी होती है वो सब भी खाना स्टार्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो भी डाइट में इंक्लूड करना जरूरी है। स्लोली इंट्रोड्यूस किया है मैंने अपने डाइट में सारी चीजें, और प्रॉपर अभी 1.5 महीने तक 2 मंथ्स तक मैंने अजवाइन का पानी पिया है। अभी 5-6 दिन से मैंने बंद किया अजवाइन का पानी और मैं नॉर्मल पानी पीने लगी हूँ, ताकि वो भी सब चीज़ की आदत होना स्टार्ट हो जाए। जो स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो किया जाता है सी सेक्शन के बाद वो मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हो। तो मैं जो बेबी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ वो हैं सारे फॉरेस्ट एसेंशियल के बेबी प्रोडक्ट्स, बिकॉज सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो। ऑयल हम लोग नारियल तेल यूज़ करते हैं मालिश करने के लिए सुबह की, और शाम को जो मैं यूज़ करती हूँ आलमंड ऑयल यूज़ करती हूँ। मैं लिंक्स डाल दूंगी सबकी, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, एक कोई है जो पूरा हाथ से आलमंड ऑयल बनाते हैं, बहुत अच्छा ऑयल है। कि आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई है तो क्या लगता है आपको कैसे मैनेज करोगे अब भोपाल से मुंबई? तो जिम्मेदारी बढ़ गई है, हाँ डेफिनेटली बढ़ गई है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जब तक ये 2 से 3 साल की नहीं हो जाती, मतलब थोड़ी समझदार नहीं हो जाती, तब तक थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, मुझे भी ये बहुत अच्छे से क्लियर है। ये पापा की जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी बेटर हो गई है, टचवुड, वॉकर के थ्रू वो वॉक वगैरह करने भी लगे हैं जाएगा, आई बिलीव बहुत जल्दी वॉकर भी उनका हट जाएगा और वो खुद से चीज़ें करने लगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है बच्चा अगर ट्रैवल भी कर रहा है हमारे साथ तो आई थिंक वो और बोल्ड ही बनेगा, तब वो स्कूल नहीं जाती है तब तक
हम बहुत आराम से ये चीज़ें कर सकते हैं. द मोमेंट शी विल स्टार्ट गोइंग टू स्कूल तब फिर ये होगा कि हमारे इन लॉज और पेरेंट्स को फिर हम वहाँ बुलाने लगेंगे यहाँ बार बार आने की बजाय. ऐसा मुझे लगता है बट मैनेज हो जाएगा. दिमाग में सेट है कि हमको ही मैनेज करनी है ये सारी चीज़ें. नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, विल यू प्लान सेकेंड बेबी? आई नो इट्स पर्सनल एंड अर्ली, इट्स परफेक्टली फाइन इफ यू डोंट आंसर माई क्वेश्चन. सेकेंड बेबी तो एक्चुअली मैं बहुत, आपने खुद ही उसका आंसर दे दिया कि इट्स वेरी अर्ली राइट नाउ. एंड मेरे ना बहुत सारे थॉट प्रोसेस हैं बिकॉज एज अ सिंगल चाइल्ड जो सिचुएशन से मैं गो थ्रू करी हूँ उसको लेके मेरा एक परसेप्शन बना है, पॉजिटिव परसेप्शन भी बना है, नेगेटिव परसेप्शन भी बना है. जो मैं अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखती हूँ वो परसेप्शन भी बना है. तो मेरे अंदर बहुत सारे थॉट्स हैं अभी. लेट्स सी, फॉर नाउ 2-3 इयर्स तो आई डोंट हैव एनी प्लान्स. अभी 3 साल तक तो मैं बिल्कुल उस पर कॉन्सेंट्रेशन करना चाहती हूँ. उसके बाद क्या सिचुएशंस बनती है, कैसा मेरा मूड होता है वो डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहते हो? व्हेन आई सॉ यू आई फेल्ट एनर्जेटिक. मैं बिल्कुल आपको ऐसा लगा क्योंकि जो ये थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी आई स्टेड वेरी पॉजिटिव, वेरी बबली, एनर्जेटिक, एवरीथिंग. थोड़ा बहुत मूड स्विंग हुआ मेरा बट मैंने कंट्रोल करने की कोशिश करी, गुस्सा भी किया है मैंने. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत संत बन के रही हूँ पूरी प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं हो पाता है. लेकिन हाँ, आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे ऐसा लगा कि मेरे जो हॉर्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुए हैं और मैं चिड़चिड़ी बहुत हुई हूँ. एंड अभी थोड़ा 4-5 दिन से मैं थोड़ी नॉर्मल होना स्टार्ट हुई हूँ. नहीं है कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ. जब मैं नेगेटिव रहती हूँ तब मैं डेफिनेटली वीडियो नहीं बना रही होती हूँ, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता है. मैं भी ह्यूमन हूँ, मेरे भी हॉर्मोन्स हैं, मेरे हॉर्मोन्स भी ऊपर नीचे होते हैं, मूड स्विंग्स भी मुझे भयंकर होते हैं, तो इट्स नॉर्मल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ जर्नल वीडियो, मेक अ वीडियो ऑन जर्नल एंड मैनिफेस्टेशन. इसमें भी बहुत आए तो ये एक अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, ये मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकती हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेबी बॉर्न हुई थी तब उसका वेट कितना था? ये जो क्वेश्चन होते ना, आपकी बेबी का वेट कितना था, आपकी बेबी का हाइट कितना था, इसके जो माइल स्टोन्स थे वो कितने थे, ये डिस्कस इन जनरल भी नहीं करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम योर पीडियाट्रिशियन. क्या होगा ना, जब मैं आपको बताऊंगी कि मेरी बेबी का वेट इतना था, अगर आपके बेबी का वेट उससे कम हुआ तो कहीं ना कहीं आप एंशियस हो जाओगे. जब ये बॉर्न हुई थी तो उसके जस्ट 5 या 6 दिन पहले एक और हमारे पहचान के हैं जिसको बेबी बॉर्न हुआ था, बेटी हुई उनको भी, वो हॉस्पिटल बच्चे को लेकर के आए थे मिलवाने के लिए. हम दोनों बिल्कुल 5-10 दिन का डिफरेंस है दोनों में. सो दे वर वेरी यंग, दोनों जो है कपल वो काफी यंग है. तो दे वर कंपेयरिंग, अरे इसकी नाक देखो, इसकी नाक देखो, अरे इसके बाल देखो, इसके बाल तो घने, इसकी तो टकली है, ये ऐसा, मतलब कंपेयरिंग ऑल दीज थिंग्स. तो मुझे काफी देख के बुरा लग रहा था. मैंने उन लोगों को यही समझाया कि डोंट कंपेयर योर बेबी विद समवन एल्स बेबी. किसी में कुछ चीज अच्छी होगी, किसी में कुछ चीज अच्छी होगी, ये करके आप खुद तो एंशियस हो रहे हो, साथ ही साथ आप बेबी के अंदर भी नेगेटिविटी डाल रहे हो क्योंकि ये नेचर आपका भी डेवलप होता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा कंपेरिजन. और वो लॉन्ग टर्म में ना आपके लिए अच्छा है ना बच्चे के लिए अच्छा है. एंड तो इसलिए मैं ये वेट नहीं बताना, डिस्कस करना चाहूंगी फॉर द गुड रीजन. व्हेन यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर लाइफ इन मुंबई, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर मुझे खुद को भी नहीं पता है. बिकॉज बेबी को हम कब लेके जाने वाले, वो है आफ्टर 4 मंथ की कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही हम लेकर के जाएंगे. मासी के बेटे की शादी है तो फिर वो निपटा निपटू करके ही हम जाने वाले हैं. मोस्ट मेमोरेबल एक्साइटिंग मोमेंट इन योर क्रिएटिव जर्नी ऑफ यूट्यूब. मुझे ऐसा लगता है मेरी जो एक्साइटिंग और मेमोरेबल जर्नी थी ना, जब हम लोग 1 BHK में रहते थे, वो पूरी जर्नी मेरी बहुत मेमोरेबल और एक्साइटिंग रही है. पूरा मतलब हमने वहां पर इतनी क्रिएटिविटी करी, और स्पेशली वो जो लॉकडाउन वाला पीरियड था, कुकिंग में बहुत एक्सप्लोर किया है, फाउंटेन बनाया था वो, और दूसरा जो हमने टेबल बनाया था. ये 2 चीज़ें मैं हर कभी जब भी मैं थोड़ा सा भी लो फील करती हूँ ना, मेरे मोबाइल में ये वीडियोस डाउनलोडेड हैं. कुछ वीडियोस हैं मेरे 15 जो डाउनलोडेड हैं. जब भी मैं लो फील करती हूँ तो मैं एनर्जी गेन करने के लिए अपने ही वीडियो में, किसी और की वीडियो नहीं देखती. दिस इज मी, दिस इज द वाइब आई वॉन्ट. व्हेन आर यू गोइंग बैक टू मुंबई एंड व्हेन कैन वी सी यू डेकोरेट योर बेबी रूम और कॉर्नर? मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं. तो मुझे मेरा बेडरूम भी रीडेकोर करना है, तो उन सबके मेरे पास प्लान्स हैं बहुत अच्छे अच्छे. बस द मोमेंट आई रीच देयर वो स्टार्ट कर दूंगी मैं करना, अगर मुझे मौका मिलता है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लूज स्टमक फैट आफ्टर सी सेक्शन? आई हैव नॉट येट लॉस्ट इट, आई एम 8 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी. मैंने अपना जो स्टमक फैट है वो लूज नहीं किया है, मतलब मेरा है अभी भी. वो तो मैं कपड़े इस तरीके के चूज कर रही हूँ कि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बट इट इज़ देयर. जो मैंने अपना अपना लाइफस्टाइल बताया ना इन 2 मंथ्स में, जो मैंने फॉलो किया है, बस मैंने वही फॉलो किया है. बाकी आपको पता ही है सी सेक्शन में यू कैन नॉट वर्क आउट फॉर 6 मंथ, विच आई एम गोइंग टू फॉलो. मैंशन योर डिलीवरी हॉस्पिटल एंड थाने एंड डॉक्टर. मैंने जो अपनी डिलीवरी है वो मतलब किसी भी डॉक्टर को थाने में दिखाया ही नहीं है. सिर्फ एक बार मैंने स्कैन कराया था मेरे घर के पास ही, तो मेरी बिल्डिंग में भी काफ़ी सारे बच्चे हुए हैं, मतलब
चार महीने पहले एक तिशार से 4 महीने पहले एक बेबी हुई है, फिर एक एक साल बड़ी एक बच्ची हुई है, मेरे जो घर के ऊपर जो दीदी रहती है शी इज राइट नाउ प्रेगनेंट, पर मेरी उस बिल्डिंग में काफी अच्छा इसका ग्रुप बन जाएगा, बट मैंने थाने में कहीं किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, भोपाल में ही मैंने सब कुछ करवाया है। उसके बाद डेली व्लॉग्स विद क्यूटी, एक्चुअली वो जब मैं मुंबई चली जाऊंगी ना तब व्लॉग्स ज़्यादा आएंगे, यहाँ पर मेरा ना मन भी नहीं करता है व्लॉग बनाने का और यहाँ इतना मौका भी नहीं मिलता है। एंड इनिशियली 3 मंथ्स मैंने सोच के रखा था कि मैं व्लॉग शायद ना भी बनाऊँ, बनाऊंगी भी तो इक्का दुक्का तिक्का बनाऊंगी, ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाऊंगी, बिकॉज स्टार्टिंग 3 मंथ्स शी नीड्स मी। 3 मंथ में बच्चे को थोड़ा समझ में आने लगता है दिन कब है रात कब है, चेहरे समझ में आने लगेंगे, पहचानने लगेंगी वो सबको, थोड़ा बेटर उसका रूटीन हो जाएगा। सो मैंने ये सोच के रखा था कि 3 मंथ्स तो मैं इतना घुसूंगी नहीं वीडियोज में। कंपनीज में भी 6 महीने का ब्रेक दिया जाता है क्योंकि इनिशियल जो बच्चे का टाइम है वो माँ के साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम तो देखो लाइफ टाइम चलेगा ही चलेगा, है ना, बट अभी मैंने मेरी प्रायोरिटी वो है तो 3 महीने तक तो मैं थोड़ा करूँगी, कम बनाऊँगी, उसके बाद फिर मैं बनाने लगूँ। प्रेगनेंसी जर्नी पूरी कैसी रही आपको, बीपी इश्यूज या शुगर लेवल इश्यूज, इस तरह के कोई कॉम्प्लिकेशंस आए थे कि नहीं आए थे? जो प्रेगनेंसी थी वो मेडिसिन फ्री प्रेगनेंसी रही है। अगर आप यूट्यूब पे इस तरीके के डालेंगे ना मेडिसिन फ्री प्रेगनेंसी व्लॉग्स, आपको बहुत सारे ऐसे फॉरेन यूट्यूबर्स मिलेंगे जो पूरे थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं, वो अपने फूड को ही अपना वो बनाते हैं, जो एक्चुअली में हमको करना चाहिए, ये लिखा हमारे आयुर्वेद में है, बट बाहर की कंट्री वाले बहुत इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो जो बीपी वाला आपने मुझे बताया ना, डेफिनेटली होता है सबको, बीपी भी होता है आपका फ्लक्चुएट होता है, शुगर लेवल्स भी आपके फ्लक्चुएट होते हैं। जब मैं 4th मंथ में थी तो हमारे जो वैद्य जी हैं उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से क्लियर बता दिया था चेंजेस जो मेरी बॉडी में आने वाले थे, वो मुझे हर चीज़ गाइड इस तरीके से करते थे विथ लॉजिक कि मैं बहुत अच्छे से समझती थी उस चीज़ को और फॉलो भी करती थी। क्या होगा, अब आपको बीपी इश्यूज भी होंगे, बैक पेन भी होगा, आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे होगा, आपको यूरिन बार बार पास होगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज योर पापा डूइंग, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हैं। माई डैड इज डूइंग टच वुड वेरी ग्रेट, ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव साइड पे ही है, वो वॉकर के थ्रू वो चलने लगे हैं अच्छे से उतर के, और अब हम उनको बाहर वॉक कराते हैं, पहले वो घर पे वॉक करते थे। उनके लिए ये सारी चीजें ना एक बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं। सब वॉक करते हैं, जैसे अभी वो 40 कदम चल पाते हैं, 30 कदम चल पाते हैं, फिर 40 से स्टार्ट करें, तो ऐसे धीरे धीरे करके ही इज प्रोग्रेसिंग। टचवुड, हाउ यू आर मैनेजिंग वर्क एंड बेबीज टेक केयर? सो करेंटली आई एम नॉट मैनेजिंग माई वर्क टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा 3रा वीडियो है, मैंने कोई करवा चौथ पे ब्लॉग नहीं किया, दिवाली पे ब्लॉग नहीं किया, सो आई एम नॉट मैनेजिंग माई वर्क राइट नाउ। बताया ना यार, कंपनीज भी 6 महीने की लीव देती हैं, तो हम यूट्यूब पे क्यों नहीं लीव ले, थोड़ा सा है ना, थोड़ा ब्रेक लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी पूरी जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है वो बेबी टेक केयर पे है, एंड थैंकफुली माई बोथ मदर्स आर हियर, सो मुझे बाकी चीज़ें भी नहीं देखनी पड़ती है, खाना पीना नहीं देखना पड़ता, घर की क्लीनिंग व्लीनिंग ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता, इन सबसे मैं एकदम फ्री हूँ। उसके जो भी क्लोथ्स वगैरह हैं उनको मैनेज मुझे नहीं करना रहता, सब कुछ मुझे धुला धुलाया वॉश एकदम उसकी वार्डरोब में मिल जाता है, मुझे सिर्फ वो उठा करके, इन शॉर्ट बोलूँ तो मुझे सिर्फ उसकी केयर ही करने का टास्क है, तो जो कि मैं अभी वो कर रही हूँ। रिकमेंडेशंस ऑन प्रेगनेंसी सेफ मेकअप प्रोडक्ट्स, सो ट्राई टू यू, पहली बात तो आप जितना मेकअप कम यूज़ करो उतना ज़्यादा अच्छा है प्रेगनेंसी में। आपने देखा होगा मैंने जो अपने हर्बल प्रोडक्ट्स स्टार्ट कर दिए थे करना, और बीच में मैंने ऑलमोस्ट मेकअप छोड़ ही दिया था, मैं सिर्फ लिपस्टिक की जगह भी लिप बाम्स लगा रही थी, जो टिंटेड लिप बाम्स होते हैं हर्बल नेचुरल वो लगा रही थी। फेस प्रोडक्ट्स में सारे जो भी फ्रेगनेंस वाले प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने यूज़ करना बंद कर दिए थे। मैंने मोस्टली फॉरेस्ट एसेंशियल यूज़ किया है। जो हेल्दी प्रेगनेंसी है उस, एक तो डेफिनेटली हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज आप जितना केमिकल से दूर रहो उतना अच्छा है, खाने के लिए भी लगाने के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्किन से भी आपकी बॉडी में ही अंदर जा रहा है, योर स्किन ऑल्सो ब्रीथ्स, उसके अंदर भी पोर्स होते हैं, सब चीज़ अंदर जाती है, तो जितना हो सके नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए क्या किया जाए? सबसे पहले जो आप ये सोच रहे हो कि जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव करना है, ये सोचना छोड़ दो। जल्दी सोच करके तो आप ऑटोमेटिकली अंडर प्रेशर ही हो, तो प्रेशर नहीं लेना है, आराम से रिलैक्स रहिए, जो चीज जब होनी होगी तब हो जाएगी। इतना कोई क्विक टिप नहीं है, सिर्फ हेल्दी रहिए, अपनी लाइफस्टाइल नॉर्मल रखिए और बिल्कुल चिल रहिए। जितना हैप्पी रहेंगे, जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, उतना जल्दी आप कंसीव कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी तो। जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं ये भी तो यूजुअली सब स्ट्रेस और अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही होती है। सेकेंड है, नेमिंग सेरेमनी कब तक होगा और आपका जो गोद भराई है वो कब हुआ? हमारे घर में जो नेमिंग सेरेमनी है, मेरे इन-लॉज के यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। विशार कहते हैं इन-लॉज के यहाँ पे किस कुछ ट्रेजिक चीज हो गई थी, तब से वो सेलिब्रेट करना बंद कर दिया जाता है, तो हमारे यहाँ वो बेबी शार स्टॉप हो गया था, इसी रीजन से हमारे यहाँ नहीं हुआ। मेरी मम्मी के यहाँ पे तो बेबी शार होता है, हमारे यहाँ जो पूजा होती है वो 6ठी के दिन होती है, उसके बाद सूरज पूजा होती है 11th डे। नेक्स्ट सेरेमनी होगी वो सीधे होगी 6 मंथ में अन्नप्राशन में, बीच में भी 1.25 महीने में भी होता है, प्रोग्राम होता है। मेरे मदर इन-लॉ ने हम लोगों से पूछा था, बट मैंने भी मना कर दिया था, विक्की ने भी मना कर दिया था, मैंने बोला था ये बहुत छोटी है,
मैं मुझे हर एक घंटे में आधे घंटे में उसको फीड कराना पड़ता है, कोई भी प्रोग्राम हम करेंगे बड़ा तो मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो जाऊँगी और साथ ही साथ वो बहुत परेशान हो जाएगी। तो हम लोगों ने मना कर दिया था, विक्की ने भी मना कर दिया था और मैं भी इस फेवर में नहीं थी कि ना अंदर से फिट होना, हेल्दी होना और नॉर्मल रूटीन में आना चाहती हूँ, उसके बाद ही मुझे करना है जो भी करना है। सिम्टम्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो मेरे प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स थे, वॉमिटिंग मैंने आई थिंक बता के रखा है कि हेयर है, कभी मुझे वाइट हेयर का कोई इशू नहीं रहा है, मेरे एक आध दो ग्रे हेयर रहे हैं, बट आफ्टर माई प्रेगनेंसी जब से मैंने कंसीव किया मेरे काफ़ी सारे हेयर ग्रे हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है ये हार्मोनल चेंजेस जो प्रेगनेंसी की वजह से आए उसी के कारण हुए हैं। मुझे क्रेविंग्स वगैरह 6 मंथ तक कोई क्रेविंग नहीं हुआ है, नॉर्मल मुझे सिर्फ पानी पीने की क्रेविंग होती थी और कुछ ठंडा ठंडा जैसे ककड़ी वकड़ी ऐसे जूसी फ्रूट्स खाने की क्रेविंग होती थी, बाकी मुझे खाने की कोई क्रेविंग नहीं स्टार्ट हुई है। मुझे क्रेविंग जो असली स्टार्ट हुई है वो भी है 6 मंथ से थोड़ा स्टार्ट होना चालू हो गया, जब वॉमिटिंग्स कम हो गई थी, और वॉमिटिंग मुझे बहुत नहीं होती थी, नॉर्मल होती थी, एक आध इक्का दुक्का होती थी। एंड मेरे को हाँ, जब मुझे शुरू में वॉमिटिंग होती थी, मैं खाना खाती थी उसके 1 घंटे बाद मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी, तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी, मैं इरिटेट हो गई थी यार वॉमिटिंग, मतलब मुझे डर लगता था कि मैं इतनी प्रेशर से वॉमिटिंग कर रही तो अंदर कुछ होना जाए। तो मेरे डॉक्टर ने अगेन भी हमारे जो वेट जी उन्होंने मुझे समझाया था कि अच्छी बात है वॉमिटिंग करना, इसकी दवाई भी नहीं दूंगा मैं तुमको जब तक इतनी नहीं होने लगी कि 5-6 हो रही है दिन भर में, उसको हम एक्सट्रीम मानते हैं। 2 से 3 वॉमिटिंग होना इज अ हेल्दी वॉमिटिंग, आपके जो प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं एंड इट्स अ हेल्दी प्रेगनेंसी हॉर्मोन जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग हो रही है। तो और कभी कभी बीपी फ्लक्चुएट हुआ है मेरा, हार्ट बीट्स मेरी ऊपर नीचे हुई है, हाँ बाकी मुझे फ्रेगरेंस से बहुत इशू होता था, मुझे फ्रेगरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। सम स्पिरिचुअल गाइडेंस फॉर स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्पिरिचुअल गाइडेंस मतलब मैं तो आपको ये बोलूँगी कि आप अपना एक रूटीन बना लीजिए डेली का स्पिरिचुअल रिलेटेड, मतलब आपको पूजा इतने बजे करना है तो करना ही है, आपको ये पार्ट करना है तो करना ही है, थोड़ा मतलब 10 से 15 मिनट का एक रिचुअल बना लीजिए, करना स्टार्ट करिए, आपको ऑटोमेटिकली जो आपकी एंजाइटी है स्ट्रेस है मुझे ऐसा लगता है थोड़ा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट, डिड यू यूज पोस्टपार्टम टमी बेल्ट आफ्टर सी सेक्शन? नो, 1 महीने तक तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था जो गायनेकोलॉजिस्ट थी कि मुझे बेल्ट यूज करना है क्या, उन्होंने बोला नहीं, तो मैंने नहीं यूज़ किया, मैंने बेल्ट नहीं यूज़ किया। अब मेरी मम्मी मुझे 2-3 बार बोल चुकी तुम बेल्ट क्यों नहीं खरीद रही हो, बेल्ट क्यों नहीं खरीद रही हो, मैंने बोला क्यों यूज़ करना है बेल्ट, मम्मी बोलती है पेट तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। फिर मैंने अपने 2-3 फ्रेंड्स लोगों से कंसल्ट किया जो इन लोगों की प्रेगनेंसी की, तुम लोगों ने यूज़ किया, तुमने यूज़ किया, तुमने, तो सबने मुझे बोला हाँ हम सब ने यूज़ किया है। तो फिर मैंने मुझे लगा कि यार चलो मंगवा लेती हूँ, तो मैंने अमेजन से मंगवाया, गिनती के मैंने 2 या 3 दिन यूज़ किया है, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए, और अभी भी मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ, मेरा पड़ा ही हुआ है ऐसे ही। 6 मंथ के बाद मैं अपना डांस रूटीन स्टार्ट कर दूंगी तो सब नॉर्मल हो जाएगा। हाउ डिड यू मेंटेन योर वेट आफ्टर डिलीवरी, ये मैंने क्वेश्चन कहा था, ये बहुत आया है वेट से रिलेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने ये मेंटेन किया ना अपना, जो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया स्टार्टिंग वीडियो में 1.5-2 महीने का जो लाइफ स्टाइल फॉलो करी, इससे बहुत हेल्प मिली है। हाउ डज इट फील लाइक बिकमिंग पेरेंट्स? आई फील डिफरेंट बिकॉज फॉलोइंग यू, डिफरेंट मतलब डिफरेंट क्या, मुझे तो कोई डिफरेंट फीलिंग नहीं आती है, जैसे बहुत सारे लोग मुझसे बोलते कैसी फीलिंग आ रही है, अच्छी फीलिंग आ रही है, आई फील गुड, सरियल एज वेल कि आई बिकम मदर। अरे अभी तक तो थोड़े टाइम पहले तक तो मैं व्लॉग बना रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, अभी अचानक से आई हैव बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन माई हैंड्स नाउ, मुझे कुछ भी करने से पहले सोचना पड़ता है, आई बिकम डिपेंडेंट, बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही हूँ उसकी वजह से, बट ठीक है, इट्स फाइन, आई फील गुड बिकॉज बहुत प्लान्ड डिसीजन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई यू चूज आयुर्वेदिक प्रेगनेंसी ओवर एलोपैथी? मेरी मम्मी से रिलेटेड मैं आपको बताती हूँ, मेरी मम्मी का भी ऑपरेशन हुआ था, मम्मी का जो ऑपरेशन हुआ ना उसके 6 मंथ तक तो वो एकदम ठीक थी, 6 मंथ और 7 मंथ से उनको वो इशू स्टार्ट होना वापस से स्टार्ट हो गया, वो उन्हें आयुर्वेदिक करना स्टार्ट किया, उनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ, एंड पापा की सिचुएशन में भी मैंने देख लिया था बहुत सारा मतलब मैंने चीज़ें देखी थी, सोचा समझा विक्की और हमारा डिसीजन था कि हमको जो प्रेगनेंसी है वो आयुर्वेदिक फॉलो करनी है रैदर देन एलोपैथी। वॉट इज़ योर ओपिनियन अबाउट प्रेगनेंसी फियर? प्रेगनेंसी फियर मुझे बहुत स्टार्टिंग में था, जब मेरे को पता था मैं बहुत मेंटली प्रिपेयर थी, 5 ईयर्स के बाद तो मुझे प्लान करना ही करना है, और उसके बाद मेरे को हॉस्पिटल जो फियर था ना वो मेरा कैसे चला गया, जो ये मेरी मम्मी पापा का सिचुएशन हुआ, तो मैं इतना सब चीज़ें मैं ही हैंडल कर रही थी, तो मेरा जो हॉस्पिटल का फियर था वो ऑलमोस्ट चला ही गया था। प्रेगनेंसी एक्सपेंडिचर, तो हमारा जो प्रेगनेंसी एक्सपेंडिचर था वो तो ऑब्वियसली जो हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं विक्की को जो ऑफिस की तरफ से इंश्योरेंस मिलता है पूरा उसमें कवर हो गया था, सी सेक्शन का जो एक्सपेंडिचर हुआ आई थिंक वो बहुत नॉर्मल, सी सेक्शन का आप सबको पता ही होगा जगह वही रेट है, बाकी जो थ्रू आउट 9 मंथ की प्रेगनेंसी में हमारा एक्सपेंडिचर हुआ है 4 से 5 स्कैन हुए हैं, 2 से 3 ब्लड टेस्ट हुए हैं और थोड़ी बहुत दवाइयाँ आई हैं, वो नॉट से कि बहुत ज़्यादा हुआ है, मिनिमली हुआ है, जितना हमने सोचा था उससे 50% आप कम मान लो, वो जो 50% हमारा एक्सपेंस बच गया वो हमने अच्छा खाने पीने फ्रूट्स में अच्छे कपड़े अच्छे प्रोडक्ट्स लगाने में यूज़ करा है। हाउ आर यू मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन विथ बेबी और समवन इज देयर टू हेल्प यू? MIL मतलब
तो आई थिंक मेरे मम्मी और मेरे मदर इन लॉ सब एक ही घर में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं मैनेज करने के लिए, तो मैं बच्चे को तो मैं संभाल लेती हूँ, जैसे अभी ये पूरा मेरे पास ही है, पूरे शाम तक नीचे भी जाऊँगी मैं, तो हमारा रूटीन कैसा होता है कि मैं सुबह इतने बजे जैसे 10:30-11 बजे मैं फ्री होती हूँ, शार वगैरह लेकर के सब कुछ लेकर के, फिर मैं ऊपर टेरेस वाले इस रूम में आती हूँ, यहाँ मैं फीड कराती हूँ, धूप दिखाती हूँ उसको, और फिर हम नीचे चले जाते हैं, सबसे नीचे चले जाते हैं मेरी मम्मी के पास, वहाँ पर मैं खाना पीना खाती हूँ, मेरा खाना बनता है, दिन में मैं सोती हूँ, और शाम को अराउंड 5, 5:30, कभी 6 बजे डिपेंड करता है, कोई मिलने आ जाता है तो थोड़ा लेट भी हो जाता है, बट अदरवाइज मैं 5, 5:30, 6 तक मैं चली जाती हूँ ऊपर ऊपर चली जाती हूँ, फिर मेरी मदर इन लॉ तो संभालना, मतलब थोड़ी देर वो खेलते हैं इसके साथ, अभी तो क्या है छोटी है, वेक विंडोज का काफ़ी कम है, तो वैसे चलता रहता है, तो इन शॉर्ट मैं बोलूँ तो मैं संभाल लेती हूँ उसको, और मैं चाहती हूँ मैं खुद ही उसको संभालूँ, मतलब इन लोगों के ऊपर बर्डन ना दूँ। ये विक्की और आप दोनों इतने चिल कैसे रहते हो, आप लोगों का झगड़ा नहीं होता है क्या? एज भैया हम झगड़ा करेंगे तो आप लोगों के सामने आकर के दोनों झगड़ा करेंगे, हाँ हमारा भी झगड़ा होता है लाइक नॉर्मल कपल, हम लोगों में मेच्योरिटी आ गई है कि झगड़ा करो विदिन 5 मिनट्स में नॉर्मल हो जाओ, क्योंकि झगड़ा तो अभी भी करते हैं और सभी करते हैं यार, किसमें नहीं होता झगड़ा। सब लिस्ट ऑफ फूड दैट यू हैवंट टच थ्रू आउट योर प्रेगनेंसी, सात्विक भोजन खाया है इन शॉर्ट मैं बताऊं तो, लाल मिर्ची नहीं खा रही थी, मैंने लहसुन अदरक बंद कर दिया था, लहसुन तो मैं खा ही नहीं रही थी, थोड़े टाइम पहले से मैंने एग छोड़ दिया था, आई वॉज एगिटेरियन, उसके बाद मैंने पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज कोल्ड ड्रिंक तो इन जनरल भी आई थिंक मुझे लगता है मैंने 5-4 साल हो गए होंगे मैंने कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाया है। फूड में मैंने पता है क्या खाया है, मैगी खाई है थोड़ा, जैसे मेरा मन होता था खाने का कुछ अच्छा चटपटा तो मैं मैगी खाती थी, वो भी विक्की बनाता है जब बढ़िया चीज मैगी, वो मैंने खाई है। उसके बाद आर यू मिसिंग योर 8 आवर्स ऑफ स्लीप, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई इस पे मेरे पास, सो नो आई डोंट मिस माई, ऑब्वियसली आई मिस समटाइम्स, मैं आराम से जैसे भी सुबह सो लेती हूँ, कभी कभी मैं दिन में सो लेती हूँ, रात में अगर नहीं सो पाती हूँ तो, और नहीं तो मैं रात में सो लेती हूँ, ऐसे करके मतलब मैं मैनेज कर लेती हूँ, एंड आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड एंड मेंटली प्रिपेयर्ड कि ये तो होना ही है। ये बात है एनी स्पेसिफिक डाइट और एक्सरसाइज फॉर कंसीविंग बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर दैट एंड आई विल टर्न 32 इन जनवरी। स्लो जूसर आया था, मैं जूस बहुत पीती, मतलब मेरा बहुत क्लीन डाइट स्टार्ट हो गया था, जैसे अपनी बॉडी को ध्यान रखना, क्लीन डाइट करना कि मेरा PCOS वापस ना आ जाए, है ना, वो सब पे मैंने बहुत ध्यान दिया है। आपको याद होगा तो मैं 5-5, 7-7 किलोमीटर वॉक करने जाती थी भोपाल में लेक के यहाँ पर, वी यूज टू वॉक विक्की और हम लोग वॉक पे जाते थे, मैंने रील्स भी बना करके डाली हुई है वन विहार पे। ऐसे करके आपको अपनी बॉडी को, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेगनेंट होने के बाद आप ध्यान रखोगे, मेक योर बॉडी प्रिपेयर फॉर प्रेगनेंसी एज वेल, ताकि आप जब प्लान करो ना तो आपको बहुत एक्सट्रीम मेहनत ना करनी पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30+ के बाद प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम होती है? देखो मेरे को तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और मेरे काफ़ी सारे नोन लोग हैं जिन्होंने 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करी, और आजकल ये बहुत नॉर्मल है 30 के बाद प्रेगनेंसी प्लान करना, बट आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो और बच्चा प्लान कर लोगे, वो मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा मेंटल प्रेशर है, सब अपने शौक पूरे कर लिए, घूम फिर लिए, सब कर लिया, उसके बाद बच्चा प्लान करना ज़्यादा बेटर है, तो चीज़ें ज़्यादा ईजी लगती है, बाकी सबका अपना पर्सनल होता है। हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाई एनी गायनो फॉर प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग, आई मीन नॉट आयुर्वेदिक, नहीं हमने कोई भी प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग में किसी गायनेक से कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, यू डिडंट शेयर योर डाइट एंड कैल्शियम एंड आयरन मेडिसिन, प्लीज शेयर। सो डाइट में मैं बिल्कुल नॉर्मल जो खाना होता है घर का, दिन भर का जो खाना होता है वो खाना खाते हैं, जैसे रोटी, एक सब्जी, दाल, थोड़े से चावल, दही, और दही जैसे गर्मी हुई मैंने पूरा दही खाया है, और अचार, ये चीज़ें ऐसी थी जो मैं मैंडेटरी लेती थी। साथ में सैलेड में मैंने ककड़ी लिया है, और चुकंदर मैंने बिल्कुल नहीं खाया है, बीट रूट मैंने थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी नहीं खाया है, बीट रूट गर्म तासीर का होता है तो किसी की बॉडी में वो ज़्यादा गर्माहट दे देता है, तो इसलिए बीट रूट अवॉइड करते हैं। अचार तो मैं खाती थी अचार के, वो भी मार्केट वाला नहीं, घर का बना हुआ, मेरे पास अचार नहीं, अगर घर से नहीं आया तो मैं निशा की मम्मी से मांग करके लेके आती थी कि आंटी मुझे अचार चाहिए घर का बना हुआ, तो अचार घर का बना हुआ ही खाना है, प्रोसेस्ड नहीं खाना है। प्रोटीन के लिए मैंने सत्तू बहुत खाया है, मैंने कोई एक्स्ट्रा प्रोटीन नहीं लिया है, एंड थ्रू आउट माई 8 मंथ्स मैंने दूध भी नहीं पिया है, 8th और 9th मंथ में मैंने सिर्फ दूध लेना स्टार्ट किया था। फॉलिक एसिड के लिए मैं खाती थी एक सब्जी हफ्ते में 2 बार, वो है चौलाई की सब्जी, बहुत हेल्दी होती है, मतलब आपने अगर उसको हफ्ते में एक बार खा लिया, आप महीने में आप 3 या 4 बार भी खा लोगे तो आपको फॉलिक एसिड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो डॉक्टर ने 7th मंथ में बताया था कि अपना आयरन इंक्रीज करने के लिए लोहे की कढ़ाई में, तो मैं वो पहले से कर रही थी, मैं लोहे की कढ़ाई में दाल बनाती थी, लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाती थी, और स्लो कुक करो खाने को, मतलब जैसे बिल्कुल धीमी आंच पे आराम से बनने दो सब्जी को, भले ही टाइम लगता है आधा आधा घंटा 45-45 मिनट सिर्फ सब्जी आपकी भूंजती रहेगी, पर आराम से बनाइए ताकि जो है वो आपकी सब्जी में आए और वो आपकी बॉडी में आए। तो आयरन की कढ़ाइयों में, जो अच्छी थिक बेस वाली कढ़ाई होती है ना आयरन की, उसमें खाइए,
गूगल करिए क्या क्या चीज़ों में आयरन होता है, किस किस वेजिटेरियन फूड में कैल्शियम होता है ना, प्रोटीन किस में होता है, जैसे राजमा खाइए बना करके। तो ये सब चीज़ें मैंने प्रॉपर खाया है, ना ही मैंने कोई न्यूट्रिशन वाले जो न्यूट्रिशन कोच होते हैं उनसे मैंने कंसल्ट किया था। मैं खुद वेल प्रिपेयर्ड कि आयरन किन किन चीज़ों में होता है और मुझे क्या क्या खाना है, ऐसे मैंने एक पूरा चार्ट बना करके रखा था और मैं वो सारी चीज़ें खाती थी। योर रिएक्शन ऑन योर अनप्लान प्रेगनेंसी, ये अनप्लान प्रेगनेंसी नहीं थी भाई, प्लान्ड प्रेगनेंसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट पार्ट ऑफ योर प्रेगनेंसी जर्नी। वैसे तो पूरी प्रेगनेंसी जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, बस जब प्रेगनेंसी हो गई ना तब मेरा जो होम कमिंग वाला पार्ट था ना वो मुझे बहुत यादगार मेरे लिए रहेगा। डू यू ऑल्सो फेसिंग बैक एक आफ्टर डिलीवरी? हाँ भाई, उसको बच्चे को लेकर बैठे रहते हैं तो बैक एक तो होता ही होता है, बट मैं मालिश भी करवा रही हूँ जम के तो ठीक रहता है। टिप्स ऑन हाउ टू स्टे पॉजिटिव व्हेन ट्राइंग फॉर बेबी। सबसे पहले तो आप सोचना छोड़ दो, आप बस ये सोच के चलो कि बहुत ईजिली आप प्रेगनेंट हो जाओगे, जब बेस्ट टाइम होगा तब बच्चा आपका, हेल्दी बेबी आपके पास आपको आ जाएगा। ऐसे सोचा करिए, डेली सुबह उठ करके अच्छे से ये सोचिए, कोशिश करिए अच्छा सोचने की। नहीं सोच पा रहे तो जर्नल्स, अपने थॉट्स लिखना स्टार्ट करिए। डू यू गेट स्ट्रेच मार्क्स? डेफिनेटली आई गेट स्ट्रेच मार्क्स। मेरे को थ्रू आउट प्रेगनेंसी स्ट्रेच मार्क्स नहीं आए 8th-9th मंथ तक। 9th मंथ के एंड में 15 डेज बाद से मेरे को आना स्टार्ट हुए और अभी हैं वो, और मुझे नहीं पता वो कैसे जाएंगे और ना मैं अभी उनका कोई बर्डन और लोड ले रही हूँ, वो सब अपन 6 मंथ बाद देखेंगे। डू यू टेक एनी ट्रीटमेंट? नहीं, मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। फिर उसके बाद हाउ यू मैनेज टू प्लान योर प्रेगनेंसी अकॉर्डिंग टू योर विल? डिड यू टेक एनी प्रिकॉशंस? इफ सो, तो मैंने बताया ना, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल चेंजेस काफी सारे कर लिए थे, PCOS को वापस नहीं आने दिया था, एंड अपनी बॉडी को आप क्लीन रखोगे, सिस्टम साफ रखोगे, आपका गट जो हेल्थ है उसको एकदम प्रॉपर रखोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी हेल्प कराई है मुझे। उसके बाद सेपरेट वीडियो ऑन हाउ डू यू मैनेज योर सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस, नोटेड। दीदी आपके सास ससुर साथ लड़ाई होती है क्या? सच बताओ। प्रेगनेंसी वाले वीडियो में हम सास ससुर के क्वेश्चंस नहीं लेंगे, जोक्स अपार्ट। नहीं यार देखो, सबके घर में जो चुटुरपुट होता है वो मेरे घर में भी होता है, तो इट्स वेरी नॉर्मल। हाउ यू हैव बीन इंक्लाइंड टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस अबाउट टॉक्सिक फ्रेंडशिप। स्पिरिचुअलिटी में मैं इंक्लाइंड कैसी हुई? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी है और बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है स्पिरिचुअलिटी के थ्रू होते हुए मेरे लाइफ में, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इसकी तरफ इंक्लाइंड हो गई हूँ और मैंने खुद के अंदर चेंजेस देखे हैं स्पिरिचुअलिटी की वजह से। जो लोग मुझे 4-5 साल से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं थ्रू आउट ईयर बाई ईयर चेंज ही हुई हूँ, आई ना पॉजिटिव है ना गुड वे, जो कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं इस चीज़ के। और रही बात टॉक्सिक फ्रेंडशिप के, यार मेरा कोई टॉक्सिक फ्रेंड ऐसा है नहीं, अगर टॉक्सिक फ्रेंड होता है तो मैं उसके साथ फ्रेंडशिप कंटिन्यू करती, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेज मेरे को अपनी लाइफ में शांति चाहिए। यदि आपकी लाइफ में इतनी भसड़ चल रही होती है, उसमें से एक फ्रेंडशिप ऐसा रिलेशनशिप है जिससे आप बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हो, वो अगर टॉक्सिक हो गया तो फिर वो फ्रेंडशिप हेल्दी फ्रेंडशिप नहीं होती है। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे को इनका लोड नहीं होता है कि यार मैंने आज इनको कॉल नहीं किया, या मैं इस बार इनको बर्थडे विश नहीं कर पाई तो ये गुस्सा हो जाएंगे, या मुंह फुला लेंगे, या ये कर लेंगे, या वो कर लेंगे बुरा। मेरे को ऐसे फ्रेंड्स बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे ये बैक ऑफ द माइंड सोचना पड़े कि यार मैं इसको ये ना बोलूं ये बुरा ना मान जाए। हम लड़ते हैं, भिड़ते हैं, मर जाते हैं लड़ लड़ के भी, बट हमको पता है कि हम लोग अलग नहीं होने वाले हैं, वी आर इनसेपरेबल। मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड्स भी, जैसे अश्विनी वगैरह, तो मेरी 11th क्लास से फ्रेंड है। जवस्वी, जिसके ज़्यादा वहाँ गए थे वैष्णो देवी, वो मेरा 11th क्लास से फ्रेंड है। लड़ मरते हैं हम जवस्वी और हम दोनों को, तो आप देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम पता नहीं साथ कैसे रह रहे हैं इतने साल से, हम लड़ मरते हैं, नोच खाते हैं दूसरे को, बट वी आर टुगेदर। मेरा नेचर इस तरीके का है कि अगर मेरे को किसी के से लड़ना भी होता है ना तो मैं मुँह पे जाके लड़ती हूँ, कोई भी हो, लिटरली कोई भी हो। जैसे निशा अगर मुझे फ़ोन नहीं करती है तो मैं लिटरली उनको चिल्लाती हूँ कि आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया, ये वो फलाने, ऐसे लड़ती हूँ। ट्रेडिशंस आर यू फॉलोइंग फॉर योर चाइल्ड मेडिकेशन वाइज? बच्चे के लिए भी हम कोई अभी मेडिकेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो जो विटामिन डी का एक ड्रॉप दिया जाता है हॉस्पिटल से, मिलता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो उसको दे रहे हैं। और बाकी मैं आयुर्वेदिक रूटीन, मतलब आयुर्वेद में बच्चे को कोई दवाई नहीं दी जाती है, माँ को दवाई दी जाती है और ब्रेस्ट फीड के थ्रू वो बच्चे के अंदर चला जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल द क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन है उससे ज़्यादा मेरे पास ब्लेसिंग्स आई हैं एंड बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे अच्छे नेम सजेशन भी आए हैं विच आई रोट डाउन इन माई मोबाइल फोन, मैं आपको दिखाती हूँ। सारे नेम्स लिख करके रखे हुए हैं, मन है कि वी या आर से कुछ आए, बिकॉज इफ यू सी दिस ना वी एन आर, आई न्यू समवेयर कि मैं जो अपने बेबी का नाम है वो वी या आर से ही रखूंगी, इनिशियल्स मेरे को वही रखना था। मैं इन सब का जो भी मुझे निकालना होता है नेम, थोड़ा सा मैं कैलकुलेट वगैरह करूंगी कि सूटेबल होना चाहिए उसके ऊपर। ही इज़ वेरी ओपन टू चेंज द नेम एज वेल, ही सपोर्ट्स मी कि विच एवर नेम इज सूटेबल फॉर हर एंड गुड फॉर न्यूमरोलॉजी पर्सपेक्टिव एंड एवरीथिंग, वो अपन रखते हैं। आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। तो आज का वीडियो मैं यही खत्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्यू पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।